सात्विक नौ युवक समिति में सभी नौ युवक हैं। उन्होंने एक फरमाइश की है, हालांकि विधा से अलग है कि पहले तर्न में केवल गीत होना चाहिए, तो गीत गाऊंगा पहले, इसके बाद एक छोटी सी कटफीस भी लगी है। तो पहले सुनिए आप लोग गीत। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला था, कौन सा बेटा? सपनों में मैं तेरा कहना बेटा पुलिस बैठी है। अच्छा अच्छा, अरे बेटा बस उधर पुलिस बैठी है, चलो कह रहे हैं जान से ज्यादा ना को क्यों ना दिलवी लाइन है। कोई कोई सुन रहा, जान से ज्यादा जाने मन तुझे प्यार करता ओ मेरी जिंदगी में आके आदरणीय राजा बाबू चाचा जी, मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुरा के मनु पल 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 याद तेरी तरसावे रे, तेरा रूप जिगर में ऐसी आग लगाए ये है बात, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो हो गई फिल्मी लाइन। आदरणीय पूनम आजाद जी, बहुत ही सिंपल गीत है, कुछ नहीं है। सृष्टि आरंभ के समय में चहु और था बस जल ही जल, चल था उन्हें नींद ने घेरा, ब्रह्मा जी को नींद आ गई, अरे तो था उन्हें नींद ने घेरा, जब उनको नींद आ गई तो वेदों को ले गया एक खल, जब वेदों को एक खल ले गया तो मची हल चल हल चल से आप पधारे हैं, धन्यवाद भैया जी को। और वो थी प्रदोष की बेला,
रूप प्रभु का पूरे शरीर में कमल के चिन्ह बने थे। तो हुआ क्या क्या मची हल चल हल चल डाल रहा है खड़े होकर डलवा करो। और ये जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है बहुत ही अच्छे ढोलक वादक भैया श्री रमाकांत जी मलिगांव निवासी मेरे लिए एक पुष्पमाल और 50 मुद्राएं और हमारे गौतम भैया के लिए भी 50 मुद्राएं। और 50 मुद्राएं ये गोपाल तिवारी करकरापुर और 50 मुद्राएं अशोक तिवारी जी करकरापुर बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों दानदाताओं को। और 100 मुद्राएं एक पुष्पमाल हमारे संदीप मिश्रा जी का पुत्र उसकी तरफ से आए थे मैं उसको शुभाशीष देता हूं। और क्या हुआ हय ग्रीव असुर बलशाली ऐसे घर जाते हो आज डाल के हय ग्रीव असुर बलशाली हय ग्रीव जो असुर था हय ग्रीव असुर बलशाली छिप गया सिंधु के भीतर जब सिंधु के अंदर घुस गया तो प्रभु उसे खोजते पहुंचे ना देर लगी है अपमान है तो मची हल चल
हल चल चल में एक चमत्कार हुआ। संहार कर दिया और इक्यावन मुद्राएं ये हमारी भतीजी हैं राधिका तिवारी उसकी तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जब युद्ध छिड़ गया तो संहार के असुर को लाए वेदों को है फिर श्रीहर। भगवान ने उसका संहार कर दिया और वेदों को ले आए तो हुआ क्या? हर साए ऋषि मुनि ज्ञानी कई दीपावली मनाई। दीपावली मनाई गई और वो दीपावली कौन है? कौन? जिसको कहते हैं देव दीपावली। हर साए ऋषि मुनि ज्ञानी कई दीपावली मनाई। कतिका स्नान दान सुखदाई। और परम आदरणीय चाचा श्री विनोद तिवारी जी मुलही उनकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं, सादर प्रणाम है। और 101 मुद्राएं श्री हमारे राजू श्री राजू अवस्थी जी पूर्व प्रधान गजान उनकी तरफ से 100 मुद्राएं हैं। और इनको अरुण अवस्थी जी श्री अरुण अवस्थी जी भी इनको कहते हैं, सादर प्रणाम है। और आप लोग नाम लेकर जाए ना। तो कतिकाओं का हो पूजन स्नान दान सुखदाई। कृतिकाओं का पूजन हुआ और कृतिकाएं कौन? कौन जिन्होंने भगवान कार्तिकों को पाला था। वो हुआ क्या? मची हल चल हल चल सुनने का विषय है, आप लोग बातचीत ना करें मंच के। अच्छा ठीक है, लेकिन शांति से थोड़ा लिखते जाए। गाया फिल्म वालों ने क्या गाया फिल्म वालों ने?
देखिए खाइए बेटा खाइए। पूर्व संध्या पर धुआंधार जवाबी कीर्तन स्थान नाहरपुर झेजक जिसमें दो पार्टियां हैं, एक तरफ बड़े भैया हमारे अमित पंजाना जी और दूसरी तरफ बड़ी बहन श्रीमती राखी आजाद जी। यह कार्यक्रम 17 फरवरी 2023 को है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय तथा हमारे श्री अनूप तिवारी जी झिझक। आपके कार्यक्रमों से ये सूचना और 51 मुद्राएं हैं। हृदय से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्यारा गीत आपने सुना है बेटा। एक तो बड़ भैया इनाम बोले के चक्कर में आपने गीत इतने जल्दी जल्दी पढ़ा कि गीत को कुछ पंक्तियां तो समझ में ही नहीं आई क्या बोल रहे हैं। हाँ ये तो बात सही है। आप खुद सोचिए कि आपने जो गाया है वो किसी ने समझ पाया है या नहीं। हाँ लेकिन हम इतने जल्दी जल्दी इनाम नहीं बोलेंगे। आप लोग तसल्ली से आइए, सबका पुरस्कार बोलेगा। आइए बड़े भैया जवाब को सुने। जहां तक मैंने सुन पाया है और समझ पाया है तो मैं प्रयास कर रही हूँ। विशेष बात आपके गीत में ये है क्योंकि कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना, और आपने दिखाया कि कार्तिक में मत्स्य अवतार हुआ और मत्स्य अवतार हुआ इस धरती को। इस धरती पर जब प्रलय आया, जलमग्न हो गई तो मत्स्य अवतार हुआ और कैसे वेदों को बचाया, कैसे क्या किया और कैसे पुनः सृष्टि बसी, ये सब आपने बताया। और फिर आपने बताया कि उसी को लेकर ये दीपावली मनाई जाती है। बड़े भैया आपका मेन मकसद गीत का ये था कि दीपावली कैसे मनाई जाती है। आप अपने गीत में कार्तिक का महीना और दीपावली, आपके गीत में कार्तिक का महीना और दीपावली इसका प्रयोग चल रहा है। और हर बार बात आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा को मत्स्य अवतार हुआ। और भी कई कहानियां लगता है मुझे जोड़ रहे थे आप, मगर इतने जल्दी जल्दी गा रहे थे कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे आप क्या कह रहे हैं। आइए जहां तक मैंने समझ पाया है जब आपको सुनिए। सुनिए आप लोग दीपावली मनाई जाती है। कहां से? कहां से? जब भगवान श्री राम रावण को स्वर्ग पठा के रावण को स्वर्ग पठा के वो धर्म ध्वजा फहरा के सुर नर मुनि जन सबको वो सुर नर और वो मुनि जन सबको वो सुख पहुंच
पहुंचाए। रावण को स्वर्ग पठा के वो धर्म ध्वजा फहरा के अमित भैया परेशान था तो भगवान श्री राम सुर नर मुनि सबको सुख वो पहुंचाए हैं। चले तो कुंवर में लेकिन लेकिन कार्तिक के महीने में अवध में आए हैं। रावण को मारकर कार्तिक के महीने में अवध में आ पाए। ये हमारी दीपावली का प्रयास है। कार्तिक के महीने में अवध वो आए हैं। चले तो बहुत जल्दी वहां से चले तो बहुत जल्दी चले क्यों क्यों क्योंकि भरत जीवित नहीं रहूंगा मैं जीवित नहीं रहूंगा इसलिए भगवान प्रभु ने सोचा क्या सोचा गर अवधि बीत जाएगी ना भरत को पाऊंगा। विचार करें प्रभु श्री राम अगर 14 वर्ष की पूरी अवधि बीत गई और मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मैं भरत को नहीं पाऊंगा। गर अवधि बीत जाएगी ना भरत को पाऊंगा उस भरत भाई के बिना मैं भी जी पाऊंगा भरत के बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा मैं भी नहीं जी पाऊंगा। जब ख्याल भरत का आया मन में जब ख्याल भरत का आया तो मन प्रभु का भरमाया। और जब ख्याल भरत का आया थोड़ी देर होते दिखानी प्रभु श्री राम को और जब देर होती दिखानी तो प्रभु श्री राम ने हनुमान को पहले भेज दिया। हनुमान जी को पहले भेज दिया कहा हनुमान जाओ कहीं भरत कुछ कर ना ले पहले पहुंच के उसे संदेशा दे दो कि तुम्हारे भैया आ गए। तब कपिवर को पहुंचाया तब कपिवर को पहुंचाया जा भरत को धैर्य बधाया। हनुमान जी ने भरत जी को धैर्य बधाया और हुआ क्या क्या हुआ बेटा भगवान श्री राम के आने की खुशी में हुआ क्या क्या हुआ। लख राम लखन सीता को माताएं हर साई माताएं भी प्रसन्न हो गई और दर्शन करने प्रभु का दर्शन करने प्रभु वर का बड़ी भीड़ उमड़ आई है खुशियां छाई अवध में गई सारी अवध
में किसी दे सजा दो घर को गुलशन सा अबद में राम आए सजा दो घर को गुलशन सा अबद में राम आए ये किसी ने गाया जय श्री राम लेकिन जवाब को सुनिए जवाब सुनिए आप लोग जब सारी अवध सजाई गई तो कार्तिक की अमावस निसी में कार्तिक की अमावस निसी में गई दीपावली मनाई कार्तिक की अमावस निसी में गई दीपावली मनाई तो सब मिल करके तब दीपावली मनाए सब मिल